हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। राइट, ओके। सो जो मेष राशि वाले हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको थोड़ी सी अपने माइंड में और क्लैरिटी लेके आने की नीड है। द रीज़न बीइंग क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इट सीम्स कि आप एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में अपने आप को बांधे जा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा क्रिएटिविटी करने की नीड है एंड आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इट्स लाइक बहुत मोनोटोनस वे में चीज़ों को कर रहे हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा बर्डनसम फील कर सकते हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ी जा रही हैं एंड उसका जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप खुद हो जो अपने आप को बांध रहे हो, आप खुद हो जो अपने आप को रोक रहे हो। सो गाइडेंस फॉर यू इज़ कि थोड़ा सा माइंड एंड हार्ट को बैलेंस करके यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आओ, अपनी रिस्ट्रिक्शंस को हटाओ एंड मेक श्योर कि आप अपनी क्रिएटिविटी अच्छे से कर रहे हो एंड एटलीस्ट अपनी फेमिनिन एनर्जी के एकदम टच में हो। अगर आप देवी की भी पूजा करते हो आज के दिन तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। ऑल राइट, तो आपकी जो नेक्स्ट 24 आवर्स में जो मुझे आपकी एनर्जीज लग रही है, काफ़ी स्लो एनर्जी लग रही है। इवन दो ऐसा लग रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस पे, आप अपनी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर काफ़ी फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा फील हो सकता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली, चाहे आप एक लड़का है या लड़की है, तो एक वो फीलिंग आ सकती है कि शायद से आप अभी इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, जो चीज़ आपकी हारमोनी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, तो वो डेफिनेटली रहने वाली है एनर्जी। लेकिन ये जो एनर्जी रहेगी, यही एनर्जी आपको अपने सपनों की साइड पे लेके जाएगी, आपको अपने पैशन की साइड पे लेके जाएगी, एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाएगी जहाँ पे आप अपने पैशन को फॉलो कर पाओगे और उस पैशन के थ्रू ही आपकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट होने वाली है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। ओके, सो मिथुन राशि वालों की बात अगर मैं करूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ों में आप स्टक फील कर सकते हो। लेकिन ये जो स्टक एनर्जी है या फिर लेट्स से नेक्स्ट 24 आवर्स में ना, आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, आपके साथ कोई डिसेप्शन कर सकता है, कोई मैन्युपुलेशन हो सकती है, कुछ झूठ हो सकता है। और ये जो पॉलिटिक्स होगी ये आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा तोड़ सकती है अंदर से। इमोशनली आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन भी होने वाला है, एक्सपीरियंस भी होने वाला है और यही पूरा लेसन आपको एक स्टेबिलिटी के साइड पे लेके जाएगा। ओके, सो इट्स लाइक कि आपको कुछ समझने के लिए, कभी कभी जब हमें चीज़ें समझ नहीं आती तो यूनिवर्स हमें डांट लगाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, लेकिन अगर तब भी समझ नहीं आते तो हमें लात ही मार देते हैं, राइट? तो ये वो सिचुएशन मुझे होती हुई दिख रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। ऑलराइट, कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप मुझे किसी से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है, किसी अपने फ्रेंड से या अपने कोई आपके कोई कलीग हो सकते हैं। बट इट्स लाइक कि आप अपना कोई ड्रीम है जो पूरा करना चाह रहे हो, लेकिन आपको उस चीज़ का सही रास्ता नहीं मिल रहा है कि आपको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और इस चीज़ को लेके आप हो सकता है कि गाइडेंस भी लो, लेकिन आई थिंक आपको कोई भी गाइडेंस अगर मिल भी रही है ना, तब भी आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। द रीज़न बीइंग क्योंकि आप बहुत अपनी विक्टिम मेंटालिटी में हो।
ऐसा नहीं है कि आपके सामने सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आपका पूरा जो फोकस है वो पूरा ही प्रॉब्लम के ऊपर है, या फिर एकदम यू नो विक्टिम मेंटालिटी में है, हाय मैं बेचारा, हाय मैं बेचारी, वो वाली एनर्जी, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप उस एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है, एंड तब आप देखो कि आपके जो भी आपके काम है, जो आपको लग रहा है कि वो एक प्रॉब्लम है, आपके सामने ऑलरेडी एक सोल्यूशन है, एंड जब तक आप वो सोल्यूशन देखोगे नहीं तब तक भूल जाओ कि यू नो कोई आपको हेल्प मिलने वाली है या कोई चमत्कार होने वाला है, बिकॉज ये एक आपके लिए ना कहीं कंफर्ट जोन बन चुका है. ओके, सो इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है. लेट्स सी सिंह राशि को लेके क्या मैसेज है. ऑलराइट, सो सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट 24 आवर्स में सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको थोड़ा अलोन टाइम की नीड है, ठीक है, एंड हो सकता है आप काफ़ी अलोननेस में रहने भी वाले हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं और आप चाह रहे हो कि आप ये दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट ना करो. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने यू नो अपने खुद के थिंकिंग प्रोसेस के साथ ये टाइम निकालो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेटली किसी ना किसी यू नो फाइटिंग चल रही है पहली चीज़ आपके दिमाग में, एंड इसकी वजह से आपको किसी अलोन टाइम की या एक ऐसी स्पेस की नीड है जहाँ पे यू नो कोई भी इंसान नहीं है. सो कोई ऐसी जगह ढूंढना या अपने ही यू नो अपनी स्पेस एक ऐसी क्रिएट करना, आप अपने मंदिर में बैठ सकते हो, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे कहीं पे बैठ सकते हो किसी अपनी अलोन स्पेस में, जहाँ पे आप एक्चुअली अपने इमोशंस को अच्छे से प्रोसेस कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को अच्छे से प्रोसेस कर सकते हो, बिकॉज आपके दिमाग में कोई बैटल चल रही है और उसका सोल्यूशन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि. ओके, कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 24 आवर्स में तो आपकी जो एनर्जीज होने वाली है वो काफ़ी सेलिब्रेटिंग वाली एनर्जी लग रही है. इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्ट हो सकता है या आप किसी को लेके काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर सकते हो, ठीक है, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है. स्पेशली ये जो पर्सन है ये आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं. उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको हो सकता है किसी पर्सन को लेके काफ़ी क्लैरिटी आए, काफ़ी ज़्यादा यू नो एक थर्ड एक्टिवेशन मेरे को होता हुआ दिख रहा है स्पेसिफिकली इस सिचुएशन के अंदर. कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेके अभी तक कोई चॉइस नहीं बना रहे थे, चाहे वो रोमांटिकली हो या वो प्रोफेशनली हो या वो एक नॉर्मल यू नो फ्रेंडली बेसिस पे हो, तो वो चॉइस बनती हुई दिख रही है एंड काफी स्ट्रांग तरीके से वो चॉइस बनती हुई दिख रही है. और साथ में आपको ये भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी आप चॉइस बनाओ, मेक श्योर कि आप वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन के या सिर्फ और सिर्फ अपनी एक अट्रैक्शन के बेसिस पे नहीं बना रहे हो, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपको इस पर्सन को लेके या इस सिचुएशन को लेके एग्जैक्टली करना क्या है. ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि. ओके, तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि नेक्स्ट 24 आवर्स में जहां पे भी जिस भी आपके एरिया में फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली वैसे मुझे ये रिलेशनशिप्स को ज़्यादा लग रहा है, रिलेशनशिप्स में या आपके बॉन्ड्स में अभी तक कोई पोस्टपोनमेंट आ रहा था, यू नो आप कहीं ना कहीं किसी मे बी किसी पर्सन का वेट कर रहे थे कि यू नो कब इस इंसान के साथ चीज़ें ठीक होंगी, कब मेरी फैमिली एनवायरनमेंट जो होगा वो ठीक होगा, तो वो चीज़ मुझे फाइनली ठीक होती हुई दिख रही है. इट्स लाइक एक बहुत मेजर साइकिल स्टार्ट हो रही है एंड एक मेजर साइकिल एंड हो रही है, ठीक है, तो ये एंडिंग एंड बिगनिंग काफ़ी साथ साथ लग रहे हैं. और साथ में जो मैसेज आया है वो ये भी आया है कि आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, ये जो पर्सन है ये आपके पास्ट लाइफ के या आपके सोलमेट कनेक्शन है एंड आपके एंसेस्टर्स जो है वो आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं इस पर्सन को लेके. इट्स लाइक आप दोनों के जो एंसेस्टर्स हैं वो आप दोनों को मिलवाने में लगे हुए हैं बेसिकली. ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि.
ओके, वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो एनर्जीज हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में वो ये हैं कि आप काफ़ी लेट गो करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को, अपने कुछ इमोशंस को, किस कुछ लोगों को भी हो सकता है, कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है जो काफ़ी आपके लिए डिस्टर्बिंग रहा है, बट अब टाइम आ चुका है कि आप उसको कम्प्लीटली अपनी लाइफ से लेट गो कर दो, बिकॉज आपकी लाइफ में जो अबैंडेंस आना है अभी आया नहीं है, आपकी लाइफ में काफ़ी अबैंडेंस आता हुआ दिख रहा है, चाहे वो इमोशनली है, वो मेंटली है, वो चाहे वो मटेरियलिस्टिकली है, वो सब आने के लिए ना एक ब्लॉक बन रहा है और वो है आपका खुद का पास्ट. ओके, सो इस पास्ट को अब लेट गो करने का टाइम आ चुका है. एंड मुझे आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कोई पास्ट का पर्सन आपसे अभी भी कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट ये जो पर्सन है ये बिल्कुल भी आपके लिए हेल्दी नहीं है. सो इट्स बेटर कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से जल्द भगाओ. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि. ओके, धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो आपकी जो एनर्जी मुझे लग रही है, पहली चीज़ तो ये कि आप किसी ना किसी मिरेकल का वेट कर रहे हो, या किसी ना किसी हो सकता है कुछ लोग न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग किसी गिफ्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है अपने किसी सैलरी या इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है. हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड फील करो, एक ऐसी सिचुएशन में फील करो कि एक कैच 22 सिचुएशन की समझ नहीं आ रहा कि क्या स्टेप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल जॉब छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, ये चीज़ होगी वो चीज़ नहीं होगी, तो उस चीज़ को लेके यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि उसका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, आपको बहुत जल्दी इस चीज़ का आंसर मिलेगा. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास कोई गिफ्ट आता हुआ दिख रहा है किसी पर्सन की साइड से या यूनिवर्स की साइड से. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि. ओके, मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका हार्ट चक्र काफ़ी एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो या मिलने वाले हो जो या तो आपके सोलमेट हैं या आपके वो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, लेकिन इस पर्सन के साथ यूनियन होने से पहले आपको अपनी कुछ ऐसी कंडीशनिंग्स हैं जो ब्रेक करनी है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये लेजीनेस है, कुछ लोगों के लिए प्रोकेस्टिनेशन हो सकता है. इट्स लाइक कि आप अपने ही लोगों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो, या आप अपने ही लोगों को इतना ज़्यादा वो केयर कंसर्न प्रायोरिटाइज करना वो चीज़ आप नहीं दिखाते हो, जिसकी वजह से आपके अच्छे खासे बॉन्ड्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं. एंड रादर आप वहाँ पे चीज़ें करते हो या वहाँ पे आप एफर्ट्स डालते हो जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला. ओके, तो ये एक ऐसा लेसन, आपका स्ट्रॉन्ग लेसन भी चल रहा है मकर राशि. एंड साथ साथ मुझे लग रहा है कि आपके लिए जो मैसेज आया है वो ये आया है कि अब टाइम आ चुका है कि ये जो आप चीज़ों को लाइटली लेके जाते हो या कुछ लोगों को आप लाइटली लेके जा रहे हो, इस चीज़ को लेके जाना आप बंद कर दें. ओके, कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ, स्पेशली लड़कियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि, एंड ये मत सोचना कि मैं बायस हो रही हूँ या कुछ भी ऐसा, बट स्पेशली मुझे लड़कियों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी तक अगर लेजी थे, उनकी कंडीशनिंग जो है वो टूटने वाली है बहुत जल्द. लेट्स सी कुंभ राशि को लेके क्या मैसेज है. ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स में कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको थोड़ा सा अपनी बाउंड्री मेंटेन करने की नीड पड़ सकती है. आपको ऐसा फील हो सकता है कि लोग आपकी बाउंड्री क्रॉस करना चाह रहे हैं, इट्स लाइक आपके बिना परमिशन के, या आपको इतनी शायद से आपको ऐसा फील हो सकता है आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या आपको इतनी ज़्यादा आपकी बाउंड्रीज को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़े से एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा अनजस्ट फील हो सकता है. सो मेक श्योर कि आप अपनी बाउंड्रीज को अच्छे से मेंटेन कर रहे हो. एंड अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला क्रॉस कर रहा है, सो यू ऑलवेज हैव अ टंग, यू ऑलवेज हैव अ थ्रोट टू स्पीक आउट, राइट? तो आपको उस चीज़ को लेके बोलना है, आपको अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करना है, स्पेशली ये लड़कों को लेके है, बिकॉज काफ़ी लोगों को मुझे लग रहा है कि या तो आपके करियर में या
कोई एक ऐसा इंसान है जो कुछ ना कुछ रोक टोक लगा सकता है। और साथ में आपके लिए जो गाइडेंस या मैसेज है वो ये है कि आपको अपनी विशेष के ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने मन की स्थिति पे ध्यान देना है कि आपका मन क्या बोलता है, आपके आपको अंदर से क्या फील होता है, आप क्या चाहते हो, आपको वो चीज़ करनी है, तब जाके ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी ही नहीं। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। ओके, मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो बार किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड कंट्रोल का कार्ड आया है, तो एयर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। दूसरी चीज़ ये कि एक रिलेशनशिप में एक रीबर्थ आता हुआ दिख रहा है, किसी पर्सन के साथ रीबर्थ आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट हो, चाहे वो करियर में किसी के साथ हो या आपकी पर्सनल लाइफ में किसी के साथ हो, लेकिन वहाँ पर फाइनली अब चीज़ों में रीबर्थ आएगा, एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। चीज़ों को आप फाइनली एक दोनों ही एक दूसरे को समझते हुए एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बिल्ड होती हुई मुझे दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। इट्स जस्ट दैट कि आपको या आपके पर्सन को जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो बिल्कुल भी वो कंट्रोल इश्यूज नहीं रखने हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।